जैसे कि आईपीएम फॉल्ट हुआ, आइस तो आ रही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ही आइस आ रही है, यानी कि जो जाता है 1 डिग्री के बाद स्टेप वाल जो है उसको कटअप कर देता है। कटअप करने के बाद ये जो है आइस इसमें से जो भी रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि ये कूलिंग नहीं हो रहा है बिल्कुल ही। आज हम इसको चेक करके आपको हम दिखाएंगे कि इस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे आप इसको पता कर सकते हैं कि इस फ्रिज में कूलिंग किस वजह से नहीं हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ट्विन कूलिंग प्लस रेफ्रिजरेटर है, ये 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है ये, और RT34 मॉडल है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि इसमें बिल्कुल ही ऊपर में भी नॉर्मल कूलिंग होता है और नीचे के साइड में भी नॉर्मल कूलिंग होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रीजर कंपार्टमेंट में भी नॉर्मल कूलिंग होता है और रेफ कंपार्टमेंट में भी नॉर्मल कूलिंग होता है। अब हम इसके पीछे के साइड को हम चेक करेंगे और चेक करके आपको हम दिखाएंगे कि कोई ऐसा एरर तो नहीं है, और डिस्प्ले में भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसा एरर तो नहीं लग रहा है अभी। तो दोस्तों पहले हम पीछे के साइड में हम चेक करेंगे कि इसका कंप्रेसर वगैरह प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर हम इसको चेक करके आज हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में इसमें फॉल्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम फ्रिज के पीछे के साइड में आ चुके हैं। इसके पीसीबी इन्वर्टर पीसीबी में जो भी लाइट ब्लिंकिंग होगी वो कंप्रेसर से रिलेटेड होता है, जैसे कि आईपीएम फॉल्ट हुआ, हाई एम्पियर हुआ, और इसका जो है पिस्टन लॉक का हुआ या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का हुआ। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आते हैं तो इसे इन्वर्टर पीसीबी में शो करता है। बाकी जो है आपके फ्रिज में फैन मोटर हुआ, जैसे मेन पीसीबी में डिफ्रोस साइकिल का हुआ, फैन मोटर का हुआ, सेंसर का हुआ, या फिर और भी जो भी फ्रिज के अंदर में पार्ट लगे होते हैं उसका जो एरर होता है वो फ्रिज के आगे की साइड में डिस्प्ले पे होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है कंप्रेसर प्रॉपर चल रहा है, ये लाइट जो है कंटिन्यू जल रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कंप्रेसर है कंप्रेसर परफेक्ट चल रहा है और इसमें और ही कोई फॉल्ट हो सकता है। तो अंदर की साइड में अभी हम देखेंगे खोल के कि इसके डक वगैरह को कि फ़ैन मोटर बराबर चल रहा है कि नहीं। और अभी हम पीछे के साइड में कंप्रेसर के साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो इसका जो डिस्चार्ज का जो लाइन है वो बिल्कुल ही नॉर्मली इसका हीटिंग है, यानी अंदर के साइड में अगर हम खोलेंगे देखते हैं कूलिंग कितना आता है उसके कूलिंग कॉइल के रो पे। तो ये इमर्जिंग पाइप है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये इमर्जिंग पाइप इसके लिए लगा होता है कि इसके ट्रे में जो भी डिफ्रोस का पानी जो इस ट्रे में आएगा वो जो है भाप बन के ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा, कस्टमर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कंप्रेसर जो है बिल्कुल हाई रनिंग कंडीशन पर है और थर्ड स्टेप पे चल रहा है ये कंप्रेसर। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप वाल लगा हुआ है। स्टेप वाल का मतलब ये होता है कि गैस को सर्कुलेट कराता है और गैस को जो है कटअप भी कराता है। अगर फ्रिज में कन्वर्टेबल का जो काम करता है वो यही स्टेप वाल करता है, यहाँ से ही कन्वर्ट होता है। फ्रीजर को फ्रिज भी बना सकते हैं और रेफ कंपार्टमेंट को आप बंद भी कर सकते हैं, वैकेशन मोड चालू कर सकते हैं, तो वो सब जो है इसी का मेन ओहदा होता है इस फ्रिज में, यही कन्वर्ट करता है। और इसमें से जो गैस सर्कुलेट होता है वो गैस को चालू कटअप का काम करता है। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम स्टेप वाल के बारे में आपको फुल नॉलेज देंगे कि वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों अभी हम सामने के साइड पर आ चुके हैं और ये जैसा कि आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, अगर इसमें फ़ैन मोटर सेंसर से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है तो ये डिस्प्ले पे शो करेगा। और यहाँ पे डिस्प्ले में अगर जब कोई भी एक नंबर अगर शो करता है, जैसे कि मान लीजिए कि -17 या -23 डिग्री अगर ये शो करता है तो पूरा डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर ही ब्लिंक करता रहेगा हमेशा। तो उसका मतलब ये होता है कि वो एरर है। तो यहाँ पर जो है -19 और 3 डिग्री पर यहाँ पर लाइट ऑन है और ये कोई ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एरर तो नहीं दिख रहा है। अब हम अंदर के साइड में चलते हैं और अंदर में हमने ये स्क्रू को पहले से ही खोल के रखा हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर में कंडीशन क्या है इसके कूलिंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आइस तो आ रही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही आइस आ रही है, यानी कि जो कैपलरी है कैपलरी से जो गैस फ्लो हो रहा है
वो थोड़ा ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बाकी इसके रो की बात करें, अगर हम इसके पाइप के को टच करके हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको पूरा फुल आइस नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये गैस चोकअप है या फिर लीकेज है कहीं से या फिर माइंड्री लीक हो सकता है या फिर ये चोक हो सकता है, क्योंकि चोक में भी ऐसा ही फॉल्ट आता है। गैस तो आपके फ्रिज में रहेगा लेकिन ये जो आइस है ये इतना ही आइस जमेगा, इसके आगे आइस बढ़ेगा नहीं। तो इसका फैन मोटर भी वर्किंग कंडीशन पे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका सेंसर लगा हुआ है, फ्रिज में दो सेंसर है फ्रीजर कंपार्टमेंट में, और नीचे के कंपार्टमेंट में दो सेंसर हैं, अभी हम उसको दिखाते हैं आपको। और बाकी ये आपको डिफ्रोस्ट साइकिल का ये मेटल वाला हीटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफ्रोस्ट सेंसर और फ्यूज मिलेगा। तो यानी कि इसमें डिफ्रोस्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और गैस इसमें चोकअप हो सकता है या फिर लीकेज हो सकता है। अगर हम इसको नीचे वाले के सेक्शन की बात करें तो इसमें भी एक कूलिंग कोयल आती है, ट्विन कूलिंग में भी डबल कूलिंग कोयल आता है। फ्रीजर का अलग होता है और रेफ का अलग होता है, जैसा कि हमने इसको खोल के आपको दिखाया कि ये भी यहाँ पर भी जो आइस जम रही है जहाँ से कैपलरी लगी होती है इन वाले सेक्शन में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी जो आइस है थोड़ा ही जम रहा है कोई। और ये नीचे वाला जो है इसमें कोई हीटर नहीं आती है, नीचे के साइड में आपको दिख रहा होगा इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो स्टेप वाल पे होता है, जैसा कि आपको हमने पहले दिखाया, तो आप देख सकते हैं। और इसके हम फैन को भी अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे एक डोर स्विच होती है, ये डोर स्विच को अगर हम पुश करेंगे तो इसका लाइट बंद हो जाएगी और इसका फ़ैन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये फ़ैन मोटर में भी प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिला के इसके फ्रिज में जो है वो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जब भी आप इस डोर स्विच को आप इसको वापस छोड़ देंगे यानी कि ये ऑन हो जाएगा तो ये फैन मोटर आपका रुक जाएगा। और यहाँ पे जो है कैपलरी पे बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है, आप देख सकते हैं एक रो में आइस आ रहा है, एक रो से आगे ये आइस नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि ये फ्रिज में चोकअप है और गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप इसको नाइट्रोजन फ्लश वगैरह अच्छे से करेंगे, लीक टेस्टिंग लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर जो है एक कूलिंग कोयल लगाया है, तो इसका जो मेन जो टेम्परेचर होता है वो यहीं से कैलकुलेट होता है, एक डिग्री लास्ट तक एक डिग्री जाता है, एक डिग्री के बाद स्टेप वाल जो है उसको कटअप कर देता है। कटअप करने के बाद ये जो है आइस इसमें से जो भी रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बहुत से मॉडल में ऐसा होता है कि इसमें जो है पूरे लाइन में आइस जम जाता है, उसके लिए भी हम आपको अलग से वीडियो बना के आपको हम दिखाएंगे कि इसमें पूरे रो में अगर आइस जम जाती है तो डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।